हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम ऑथेंटिक स्टाइल में बिसी बड़े भात बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मसाला बनाते हैं। यहाँ मैंने लिया है कुछ लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून चना दाल, 1 टेबलस्पून उड़द दाल, 1 टेबलस्पून जीरा, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है धनिया और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है मेथी। यहाँ मैंने खसखस लिया है 1 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून मैंने लिया है तिल और काली मिरी 8 से 10, 5-6 लौंग और 2 से 3 मैंने लिया है हरी इलायची और दालचीनी, और यहाँ मैंने लिए है कुछ करी लीव्स। इन सभी चीज़ों को हमें ड्राई रोस्ट करना है और 1 टेबलस्पून मैंने लिया है नमक, रॉक सॉल्ट। यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है 1 पैन वाला। पहले तो मैं जीरा, धनिया और दालें, इन सभी चीज़ों को मैं भून लेती हूँ लो टू मीडियम फ्लेम पर। ये अच्छे से भून चुके हैं, इन्हें प्लेट में निकालती हूँ। और अब जो बाकी के मसाले हैं, खड़े मसाले, उनको मैं अच्छे से भून लूँगी। इन सभी मसालों को अब मैं ठंडा होने के लिए प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैंने यहाँ पे 2 कप चावल लिया है, ये मैंने सादा चावल लिया है, और 1 कप मैंने लिया है अरहर की दाल। इसे अच्छे से धो के प्रेशर कुक करना है। अब मैं प्रेशर कुकर में 2 से 3 ग्लास पानी डालूंगी और ये जो मैंने दाल और चावल को धोया था उसे डालूंगी। और यहाँ मैंने वेजीज लिया है, 1 कप गाजर और 1 कप फ्रेंच बीन्स। आप अपने मनपसंद कोई भी वेजीज डाल सकते हैं। यहाँ मैंने 1 कप आलू डाला है, 1 मीडियम साइज वाला आलू, और नमक 1 चम्मच, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मैंने यहाँ पे तेल डाला है। एक बार इसे मिक्स कर लेते हैं और गैस पे चढ़ा देते हैं। 2 सीटी होने तक हमें इसे कुक करना है मीडियम फ्लेम पर। और जो हमने मसाले रोस्ट करके रखे थे वो ठंडे हो चुके हैं, इसे हम फाइन पाउडर बनाएंगे। 1 चम्मच नमक डाल के इसे अच्छे से पीस लेते हैं। इस तरह से फाइन पाउडर बनाना है। ये मसाला मैंने जो बनाया है इसमें से मैं 2 टेबलस्पून ही यूज करने वाली हूँ, बाकी मसाला मैं एयरटाइट कंटेनर में प्रिजर्व करूंगी। यहाँ मैंने कढ़ाई लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ मैंने पीनट्स डाला है, मूंगफली, और यहाँ मैंने काजू और किशमिश लिया है। ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ मैं जीरा डाल रही हूँ 1 चम्मच, और 1 लार्ज अनियन स्लाइस किया हुआ, और कुछ करी लीव्स, इन्हें अच्छे से रोस्ट करना है, और शिमला मिर्च। अब मैं इसमें डालूंगी टमाटर, 2 मीडियम साइज वाले टमाटर लिए मैंने, और इसको सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाला है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, और अपने स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर डाला है। और जो मसाला हमने बनाया था उसे मैंने 2 टेबलस्पून डाला है। इसे ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है। इसमें मैंने इमली का पानी डाला है, यहाँ मैंने 1/2 घंटे के लिए गर्म पानी में इमली भिगो के रखा था। इसमें मैं 1/2 कप पानी ऐड कर रही हूँ, आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसे मैं अब कढ़ाई में जो हमने तड़का लगाया था उसमें ट्रांसफर करके अच्छे से मिक्स करूंगी। इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी हो गई है। अगर आपको ज़्यादा मैशी पसंद है तो एक विसिल और एक्स्ट्रा ले सकते हैं आप, मुझे ज़्यादा मैशी पसंद नहीं है। लास्ट में मैं इसमें 1 चम्मच घी डालूंगी ऊपर से, और गार्निशिंग के लिए आप हरा धनिया डाल सकते हैं।
ये हमारा ऑथेंटिक स्टाइल में बिसी बेले भात रेडी हो चुका है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।